अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू परवीन लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दही भल्ले की रेसिपी, जिसको हम दही बड़े भी कहते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 कप उड़द की दाल और 2 टेबल स्पून मूंग की दाल। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था और अभी हम इसको दोनों को साथ में ही पीस लेंगे। और इसके अंदर कट करके मिर्ची ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। उसका एक एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बैटर बना लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे जब पीस लेंगे हम उसको 2 से 3 मिनट्स तक के। तो अभी जो हमारा बैटर है वो एकदम रेडी है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से फ्राई करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो गाइस, जो अभी हमारे दही भल्ले के जो वड़े हैं वो एकदम गोल्डन और ब्राउन हो गए हैं, अभी हम उसको बाहर निकाल लेंगे। उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अभी हम उसको एक वाटर में डाल देंगे ठंडा होने के बाद, और उसको पानी में अच्छी तरह से भिगो देंगे। इससे जो हमारे दही भल्ले के वड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं। उसको अपने हैंड की हेल्प से स्क्वीज़ कर लेंगे, उसको प्रेशर ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे और उसका पानी निकाल लेंगे। गाइस, इससे जो हमारे दही बड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह से हम बाकी दही बड़े को भी करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हो गए हैं। अभी हम हमारी दही की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया था, उसके अंदर 1 कप शुगर ऐड किया था। आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जिस हिसाब से दही खट्टी चाहिए मीठी चाहिए। मुझे तो मीठी दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने 1 कप शुगर डाला था, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और अभी हम उसको सर्व कर देंगे। उसके ऊपर यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसे, बट इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। मैं मीठी चटनी डाल रही हूँ। उसके ऊपर से कोरिएंडर डाल देंगे, रेड मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देंगे और चाट मसाला भी ऐड कर देंगे, इससे दही बड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो यह कैसे भी हमारी दही बड़ी की रेसिपी एकदम रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? और जो हमारे दही बड़े थे बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लग रहे थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।